दोस्तों, नारियल तेल की मदद से आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब आपको हेयर डाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही बालों को काला, लंबा और घना कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और नुस्खा तैयार करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो बालों की ग्रोथ का रुक जाना, बालों का असमय ही सफेद हो जाना एक आम समस्या बन गई है। आजकल तो कम उम्र में ही लोगों को यह दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बच्चों में भी देखा गया है कि उनके बाल सफेद होने लगे हैं और यंग एज में, टीन एज में भी लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं और उन सफेद बालों को छुपाने के लिए वो हेयर डाई और कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लंबे समय तक इनके प्रयोग से अगर बालों को हम हेयर डाई करते हैं तो हमारे बाल पतले और झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और गंजापन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नुस्खे की तरफ और आपको बताता हूँ कि यह नुस्खा किस प्रकार हमें तैयार करना है। इसमें हमें लेना है नारियल का तेल। आप डाबर का या पतंजलि का कोई भी ब्रांड का नारियल का तेल ले सकते हैं। तो देखिए, नारियल के तेल में हमारे बालों की ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा एक खाली बाउल, यानी कि एक खाली कटोरी ले लिया मैंने। अब मैं लूंगा एक शैम्पू। तो शैम्पू में हम दो चीज ऐसी मिलाएंगे जिनकी मदद से हम अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं और बालों को काला, लंबा और घना कर सकते हैं। तो शैम्पू, नारियल का तेल और इसमें मैं तीसरी चीज मिलाऊंगा, वो है एलोवेरा जेल। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें पूरा पाउच शैम्पू का ले लेता हूँ, क्योंकि हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस प्रकार उपयोग होता है क्योंकि हेड एंड शोल्डर शैम्पू एक एंटी डेंड्रफ शैम्पू होता है, जो हमारे बालों में के जो स्कैल्प होती है, जो बालों की जड़ें होती हैं, उनमें जमा मैल और गंदगी को साफ कर देता है। और हमारे जिस प्रकार अब इस नुस्खे को बनाने के लिए जब हम दूसरा इंग्रेडिएंट लेंगे, वो लेंगे हम नारियल का तेल। तो इसमें एक चम्मच के लगभग आप नारियल का तेल ले लेंगे। तो इस तरीके से आप एक चम्मच के लगभग नारियल का तेल ले लेंगे। अब हमें इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है, वो लेना है हमें एलोवेरा जेल। देखिए, एलोवेरा जेल आपको इस फॉर्म में है तो ज़्यादा बेटर है, हर घर में मिल जाता है फेस वॉश करने के लिए। अगर नहीं है तो अगर आपके घर में पेड़ है तो उसका भी फ्रेश जेल निकाल कर ले सकते हैं। तो इसमें से देखिए, ले लेंगे हम एलोवेरा जेल। देखिए, बालों पर इसको अप्लाई करना है। मैंने सैंपल के तौर पर आपको बताने के लिए थोड़ी मात्रा में बनाया है ये। तो देखिए, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं तो लड़कियाँ इसको ज़्यादा मात्रा में बना सकते, तो बालों की लंबाई के अनुसार आप इसकी मात्रा को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें शैम्पू, एलोवेरा जेल और नारियल का तेल मिक्स कर लिया है हमने। तो इस तरीके से ये हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको अपने बालों पर अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार हम शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं, उसी प्रकार इसमें हमने जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू लिया है, जब हम इसको अपने बालों पर लगाएंगे तो वो झाग बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वह झाग हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगे और बालों के में डैंड्रफ, बालों का झड़ना और हेयर ड्राई कर करके बाल पतले हो गए हैं। तो आपका जब हफ्ते में इसको 3 से 4 दिन तक लगातार करेंगे आप डेली नहाने से पहले, तो आप देखेंगे कि आपके बाल काले, लंबे और घने होना स्टार्ट हो गए हैं और बालों का झड़ना भी रुक गया है। तो इस तरीके से ये पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा और आप इसको हेयर जैसे बाल धोते हैं शैम्पू से, उस तरीके से आप धोइएगा और अपने बालों की जड़ों में भी आप इसको हल्के हल्के हाथों से रगड़ सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपके बालों की जड़ें मजबूत होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स पर, ताकि वो भी इस घरेलू नुस्खे का प्रयोग कर सकें। बहुत से लोग महंगे महंगे सैलून में जाते हैं और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनसे इंस्टेंट फायदा तो मिल जाता है, लेकिन महंगे महंगे जो बाजारू प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल और ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें मैंने नारियल का तेल, एलोवेरा जेल और शैम्पू हेड एंड शोल्डर शैम्पू लिया है। तो इस तरीके से आप अपने बालों की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।